JUI से राबते क्यों किए? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में फूट पड़ गई। पीटीआई के वुकला और सियासी क्यादत के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। तहरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस फैसलों में ताखीर होने लगी। जराए का बताना है कि पार्टी की वुकला क्यादत ने JUI समेत मुतादिद जमातों से राबतों पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। पीटीआई की सियासी क्यादत मुज़ाकरात और बातचीत चाहती है, जबकि वुकला क्यादत इस तजवीज से नाखुश है। पार्टी जराए के मुताबिक JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के मौके पर बैरिस्टर गौहर अली खान मौजूद नहीं थे, जबकि जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी से मुज़ाकरात में बैरिस्टर गौहर अली खान और वुकला क़यादत शरीक नहीं हुई थी। पार्टी ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान भी तल्खियां हुई और सियासी क़यादत के फैसलों को वुकला की जानिब से मानने से इनकार किया जाने लगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान ने सियासी फैसलों के लिए सियासी क़यादत को मुकम्मल जिम्मेदारी दे दी है, जबकि वुकला को केसेस और पार्टी के कानूनी अमूर तक महदूद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वुकला क़यादत ने सियासी क़यादत की बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकातों और फैसलों पर खदशात का इजहार किया है। दूसरी जानब पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम वुकला पार्टी की सियासी क़यादत के साथ मुत्तहिद हैं। असद कैसर ने मौकफ अपनाया कि तहरीके इंसाफ में वुकला पार्टी और क़यादत के फैसलों के पाबंद हैं। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वुकला इत्तफाक और इत्तेहाद से आगे बढ़ रहे हैं।